अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंथन यू आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन मंथन। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने किया था हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने बात करी थी भूमंडलीकृत विश्व का बनना, कि जो विश्व है उसकी जो अलग अलग देश है उसमें कैसे अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी अपनी जगह बनाई। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने चलते हैं, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? चैप्टर सेकंड, वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव, वन्य जीव संसाधन, यही हमारा टॉपिक है आज का, मतलब कि ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हम करने वाले हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वन क्या होता है? वन फॉरेस्ट, जंगल क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। वन क्या होते हैं? वन होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब प्राकृतिक संसाधन, है ना। अब आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि प्राकृतिक संसाधन बनने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? कई सौ मिलियन साल लगते हैं, है ना। तो ऐसे में प्राकृतिक संसाधन है वन, तो हमें वन को बचाना पड़ेगा। इस चैप्टर में यही बात की गई है कि वन या फिर वन्य जीव मतलब कि सिर्फ वन में रहने वाले जीवों की बात नहीं की जा रही है, उसके अलावा किन की बात की जा रही है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी भी बात इस चैप्टर में की जा रही है, ठीक है। तो वन्य जीव या फिर वन प्राकृतिक संसाधन है जो कि मनुष्य के हर चीज में अपना योगदान देती है। मनुष्य के लिए कोई सा भी अगर प्राकृतिक संसाधन है तो वो मनुष्य यूज करता है, ये बात मानते हो? चाहे वो प्राकृतिक संसाधन कुछ भी हो। अब मनुष्य के लिए क्या जरूरी संसाधन होते हैं? मनुष्य जो है इसके लिए जरूरी संसाधन होता है जल, है ना, हवा या फिर वायु, एयर, और क्या होता है? मृदा, मृदा जिसमें हमें अनाज मिलता है, है ना, जिससे हमें अनाज मिलता है या फिर फसल, कृषि। तो ये होती है हमारे तीन बेसिक संसाधन, और ये तीनों संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब जो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में सिर्फ मनुष्य तो नहीं है? नहीं है। क्या पृथ्वी में सिर्फ मनुष्य है? नहीं है, बहुत सारी प्रजातियां हैं, है ना, अनलिमिटेड बोल सकते हैं, कि जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, ऐसी ऐसी प्रजातियां सामने आती है ना। जैसे पृथ्वी के ऊपर जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे आपने कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है पता है आपको? कौन सा? कर्ड में, दही में, लैक्टोबैसिलस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसे, है ना। वैसे ही ब्लू व्हेल जैसे बड़े बड़े, मतलब कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्मॉलेस्ट जो जीव होता है वो भी हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है, और जो सबसे बड़ा होता है जैसे ब्लू व्हेल, वो भी हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है ना। तो जो जीव होते हैं, प्रजातियां होती है अलग अलग, उनमें से अधिकतर बोले या फिर 8%, कितनी? 8% जो प्रजाति है वो पाई जाती है भारत में, भारत और नेपाल में वो प्रजातियां पाई जाती है, क्योंकि भारत और नेपाल पड़ोसी देश है, तो जो भारत में होंगे संसाधन वो नेपाल में भी होंगे, जाहिर सी बात है।
है या नहीं? पर अब क्वेश्चन नहीं आ रहा कि नेपाल तो एक हिमालय वाला एरिया है, मतलब उसमें सिर्फ तो हिमालय ही है ना, पहाड़ी तो है वहां पर, मैदान भी है वहां पर, है ना, वहां पर मैदान भी है या फिर पठार भी है वहां पर। तो देखो 8% भारत और नेपाल में क्या है, प्रजातियां हैं, इतने जीव है कि उनकी प्रजातियों की संख्या 8% तक भारत में, ठीक है। लगभग विश्व का 2/3, कितना, 2/3 प्रतिशत जो जीव होते हैं, जो वनस्पतियां, सिर्फ जीव के बारे में बात नहीं कर रहे, वनस्पतियां और जीव प्रजातियां, जैव विविधता जिनसे जुड़ी होती है, वो सारे के सारे 8% प्रजातियां भारत में है। विश्व का 2/3% जो पार्ट है वो है भारत में। समझ आ गया, आ गया समझ में? अब चलते हैं कि जैव विविधताओं से भरा हुआ है, मतलब कि जो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो जैव विविधताओं से भरी हुई है, मतलब कि अलग अलग जीवों से, अलग अलग प्रजातियों से भरी हुई है। आप काउंट नहीं कर सकते कि इतनी प्रजातियां हैं, क्योंकि कुछ प्रजातियां समुद्र में है और समुद्र के इतना डीप नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं होगी, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो भूमि के नीचे होती हैं, है ना। तो ऐसी भी प्रजातियां हैं जिसके कारण ये कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो जैव विविधता से भरी हुई है, ठीक है। तो मनुष्य और बाकियों के जो जीव होते हैं, मनुष्य, मानव और जो जीव होते हैं, जीव या फिर अन्य प्रजातियां, वो जब मिलते हैं, मानव और जीव जब मिलते हैं, तो ये किसकी रचना करते हैं? पारिस्थितिकी यंत्र। किसकी रचना करते हैं? पारिस्थितिकी यंत्र की ये लोग रचना करते हैं, ठीक है। अब ये रचना कर रहे हैं तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मनुष्य सिर्फ एक हिस्सा है, मनुष्य क्या है, एक हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य भी तो एक प्रजाति ही है ना, मतलब कि 1% पार्ट मानव निभा रहा है, तो 99% पार्ट है वो अन्य जीव निभाते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसमें जल, हवा और मृदा भी शामिल है, क्योंकि हवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सुन लो, होते हैं, मृदा में भी होते हैं और जल में भी होते हैं। अब जल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मदद क्या करते हैं, वो कैसी मदद करते हैं हमें, वो मदद करते हैं हमें मत्स्य पालन में। किसमें? मत्स्य पालन में, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि अगर जो पानी है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो क्या आप कह सकते हो कि मत्स्य जीवित रह पाएगी? जो मछली होती है, फिशेस होती है, वो रह सकते हैं जीवित? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि खाना चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जो कि कौन देगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देंगे, है ना। तो सबके सारी चीजें हमारे पृथ्वी पर किसी ना किसी भूमिका को निभा रही है। समझ आ गया। तुम्हारा पहला है भारत में वनस्पति और प्राणी जात, क्या है? भारत में वनस्पति और प्राणी जात, क्या मतलब है इसका? क्या? फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? वर्ड मीनिंग थोड़ी ना पूछा था। वनस्पतियां जो कि प्रकृति में, मतलब कि नेचर में अपना योगदान देती है ना, और वनस्पतियां वो होती हैं जिससे मनुष्य जो है
उसको क्या मिलते हैं? मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, दवाइयां, है ना, जो विभिन्न वनस्पतियां होती है, हंसी क्यों आ रही है, जो विभिन्न वनस्पतियां होती है उनसे कुछ ना कुछ मानव प्राप्त करता है। प्राणी जात भारत में, मैंने बता दिया आपको पहले, कितने प्रतिशत तक जाते हैं? 8%, ठीक है, 8%। जैसे हमने देखा है कि औसतन 100 जातियां पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, तो 100 जातियों में से 8 जो प्रजातियां हैं वो भारत में है, ठीक है। वैसे तो दुनिया कितनी बड़ी है ना, तो सारे देशों में पाई जाना इतना कठिन होगा, पर भारत में वो पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि भारत एक संपन्न देश है। क्या है? भारत वनस्पति या करें बात प्राणियों की, तो प्राणियों से संपन्न देश है। कौन सा देश है? कौन सा देश है? भारत देश, ठीक है। कहाँ गया भारत? ये रहा, ठीक है, समझ आ गया। जैव विविधता के संदर्भ में संसार के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। कौन है? भारत है। कि जब बात करें हम जैव विविधता की, मतलब कि कितने डिफरेंसेस है प्रजातियों में, तो भारत सबसे ज्यादा समृद्ध देश माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण क्या है? भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, तो आप लोगों को पता है संरक्षण किसे कहते हैं? क्या मतलब? बचाना, प्रोटेक्ट करना, है ना, संरक्षण। तो भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ काम किए गए हैं, है ना। तो उससे पहले आप ये बताओ कि भारत में जीवों को संरक्षण कैसे किया जाएगा, मतलब आप कैसे किसी जीव को या जंगल को बचाओगे, सोचो और बताओ। शिकार ना किया जाए, किनको? जानवरों को, मुझे लगा इंसानों को। हाँ, 1960 तथा 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों में से राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पूरे जोर में बात की गई थी। मतलब 1960 से 1970 के दशक में वन्य जीवों को संरक्षित करने की बात कही गई है ना, कि 1960 से शुरू उन्हें पता लगा कि जो वन है या फिर वन्य जीव है उन पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जो वन है उनको तेजी से काटे जा रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, जो वन्य क्षेत्र है उनको हटा कर क्या किया जा रहा है, कृषि के लिए करा जा रहा है या फिर बिल्डिंग्स इंडस्ट्रियल एरिया को खड़ा किया जा रहा है ना। और जीवों को कैसे संरक्षण किए जाएंगे, तो जैसे शिकारियों से, जैसे कुछ शिकारी होते हैं जो बाघों को मार देते हैं, है ना, और हिरन को, तो इन प्राणियों को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1973 में भारतीय में पास की गई थी। मैंने 72 बोला और 73 लिख दिया। 72 बोला था मैंने या 73 ही बोला था? तो 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था। वन्य जीव अधिनियम
अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। तो वन्य जीव अधिनियम में क्या क्या बात कही होगी कि जानवरों को संरक्षित करना, जो जंगल है उनको संरक्षित करना, यही बात की थी। तुम्हें कैसे पता, तुम थे उस बातचीत में? तो फिर भविष्यवाणी। अब देखो इन, ये जो संरक्षण हुआ था इनमें कुछ खास खास जानवरों को संरक्षित किया गया था, जैसे कि बाघ, क्या जैसे बाघ, एक सिंह वाला गैंडा, किसे एक सिंह वाला गैंडा, क्या होता है एक सिंह वाला गैंडा, जिसका नाक पर एक सिंह निकला होता है ना, वो जो बहुत ज्यादा मोटा होता है, राइनोसोरस, क्या होता है? अच्छा, इसका नाम डायनासोर के ऊपर नहीं लगता कि क्योंकि क्योंकि ये थोड़ा डायनासोर से मैच करता है। अच्छा है, सींग है, और जो जैसे उसकी बॉडी है ना, मतलब जिस हिसाब से उसका बॉडी है, उसका वेट है, तो उसको डायनासोरस नाम दे दिया गया कि डायनासोरस की प्रजाति का ही है। घूम लेंगे आपको कभी पता, आपने कभी डायनासोर्स का ढांचा देखा है मूवीज में, बुक्स में, कहीं पर भी देखा है? तो आपको कैसे पता रहता है, एक क्वेश्चन है कि अगर इंसान का ढांचा आपको दिख रहा है तो आपको कैसे पता कि वो इंसान का ढांचा है? इसीलिए आपको ये भी पता चल जाता है कि वो डायनासोर्स पहले थे, क्योंकि आप इंसान हो। अरे ढांचा आपके पास है ना, हमें फॉसिल फ्यूल्स, जानते हो फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, है ना? तो ढांचा जब हमें जैसे मिट्टी में दबे, चट्टानों में दबे हमें मिल जाते हैं, बोन्स मिल जाती कभी कभार, जिसके कारण हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग है, रुकता तो है नहीं। रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि वो जो ढांचा है वो किसका है, डायनासोर्स का। अब ऐसे ही ह्यूमंस के साथ भी होता है, आपने जैसे मान लो आपको एक ढांचा मिला है मट्टी के नीचे दबा हुआ, वो ढांचा है, पर अगर हम साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो उसकी शक्ल बता देगा कि इसकी शक्ल ऐसी थी उसकी खोपड़ी को देखकर, क्योंकि सबकी खोपड़ी की बनावट एक जैसी नहीं होती, और तेरी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? समझ आ गया कैसे पता हमें डायनासोर्स थे पहले? चलो, तो फिर बाघ हो गए, गैंडा हो गया, और कश्मीरी हिरन, कश्मीरी हिरण और मगरमच्छ, पर मगरमच्छ की तीन प्रजातियां, मगरमच्छ की तीन प्रजातियां, पहला जो कि स्वच्छ जल में रहता है, स्वच्छ जल में रहता है, और दूसरा जो कि लवणीय जल में रहता है। लवणीय जल मतलब होता है एसिड, क्या होता है, एसिडिक, ठीक है, सॉल्ट नहीं, वॉटर, हाँ, लवणीय जल, और तीसरा होता है घड़ियाल, क्या होता है, घड़ियाल। कभी घड़ियाल देखा है? देखा है कैसा होता है? मोल अपनी शौर्य की तरह, राइनोसोरस, हाँ है तुम्हारी बुक में, कितने खुश हो रहे हैं ढूंढ के। अब देखो पहले इनके, इनका बचाव क्या, पहले इनका बचाव किया जाना जरूरी था, पर फिर इनमें कुछ और भी नाम ऐड किए गए, जैसे कि हाथी, हीम तेंदुआ नहीं जानते, हाँ हीम तेंदुआ, जो हिमालय पर नहीं रहते, जो सफेद कलर के होते हैं, बर्फीले इलाकों में रहते हैं, हीम तेंदुआ, और हाथी, हीम तेंदुआ, और चिंकारा, क्या गोडावन,
देखो चिंकारा होता है हिरन की प्रजाति का ही होता है, उसकी सींग ऐसे निकली होती है, ठीक है। बारह सिंगा नहीं, चिंकारा है, दो ही सींग होती है उसकी, ठीक है, बारह सिंगा, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो बाघ परियोजना, क्या बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना जो शुरू हुई थी भारत में वो हुई थी, हाँ मुझे दे क्या सुनाई, 1973 में हुई थी बाघ परियोजना शुरू, देखो। और 1973 में हमें पता भी लगा था कि बाघों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है ना, हमारे देश में लगभग 55,000 बाघ होने जरूरी थे, कितने, 55,000, पर कितने थे उस वक्त हमारे देश में बाघ, 1827, मतलब 1,807, ठीक है, ये थे हमारे बाघों की संख्या उस वक्त, 55,000 होनी चाहिए थी और 1,827 बाघ थे, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बहुत अच्छे, तो बाघ को बचाने के लिए बाघ को संरक्षण देंगे ना हम, बाघ को संरक्षण देगा देना चाहिए, बाघ के शिकारियों को, बाघ का शिकार जो होता है उसको बंद करना चाहिए, है ना, और क्या करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, दे देंगे। हाँ देखो अब बाघ है तो बाघ घास फूस खाता है, क्या खाता है, मांस खाता है, अब बाघ को बचाना है तो इसके लिए खाना भी करना पड़ेगा ना इंतजाम, तो खाना करना पड़ेगा इंतजाम, तो हमें वन्य जीवों को भी बचाना पड़ेगा, किसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि वन्य जीव होंगे तभी तो शेर खाएगा और जी पाएगा, क्या क्या हाँ, अरे देखो जो सिस्टम है ना, तुमने फूड चेन नहीं पढ़ी कभी, अब बाघ का खाना शिकार जानवर है तो जानवर ही तो खाएगा, इंसान तो खा नहीं जाएगा ना, शौर्य को आके खा जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है, होता है ऐसा, कौन बचाएगा फिर शौर्य को तुम बचाओगी, मुझे लगा नहीं बचाओगी। अब देखो जो करेगा बाघ का शिकार, जैसे बाघ की चोरी करनी बंद कर दी गई, बाघ की चोरी भी होती है पता है, कैसे, शिकार करने की मनाही कर दी गई थी, जो बाघ के चमड़े के चमड़ा होता है उसको बेचने से मना किया गया, ठीक है, चमड़े को बेचने से मना किया गया, अब बाघ की हड्डियों से क्या बनती है, बाघ की हड्डियों से बनती है दवाइयां, दवाइयां बनती है, ठीक है, तो दवाइयां जो बनती है उसके लिए भी बाघ चाहिए होंगे हमें, पर हम ऐसी दवाइयों को नहीं खाएंगे, दवाइयों को बैन कर दिया गया, ठीक है, ताकि तुम बाघ जैसी शक्ति पा सको, ऐसी दवाइयां होती, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसी दवाइयां होती है, खाएगा, समझ आ गया, बाघ संरक्षण या फिर बाघ परियोजना। अब देखो इसके अंतर्गत कई स्टेट्स में अलग अलग नाम के परियोजना या फिर संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनके बारे में मैं आपको लिखवा देती हूँ, क्या क्या पढ़ रही हो, अब है बात कि कहाँ कहाँ क्या क्या चलाए गए थे, तो ये उत्तरांचल में पहला है तुम्हारा, उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल का मतलब क्या है, हाँ उत्तरांचल में चला था कार्बेट जिम कार्बेट
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। सुंदरवन नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश में चलाया गया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। और राजस्थान में चलाया गया था सरिस्का वन्य जीव पशु विहार और कहाँ चलाया गया था असम। क्या चलाया था? मानस बाघ रिजर्व और केरल में चलाया गया था पेरियार बाघ रिजर्व। ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम के परियोजनाएं मतलब संरक्षण के उपाय चलाए गए थे। ये उदाहरण है कुछ कि कहां पर कौन से संरक्षण हुए थे, उनके क्या नाम थे। तो उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल मतलब जो उत्तरी इलाके हैं जैसे पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर लद्दाख, इन सारे एरियाज में क्या चलाया गया था? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या चला था? पश्चिम बंगाल में चलाया गया था सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है। ये चला था पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम रखा गया था, जो बाघ संरक्षण हुआ था सब इलाकों में अलग अलग नाम रखे गए थे, ठीक है। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, क्या नाम था? सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। बिहार में मानस बाघ रिजर्व, क्या नाम है? केरल में है पेरियार बाघ रिजर्व। समझ आ गया? तो चलते हैं चैप्टर को खत्म करने की तरफ। अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों तथा पतंगों मृगों तथा एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित किया गया। देखो 1970 ही है ना, 1980 में शुरू किया गया था इंसेक्ट्स को बचाने के लिए। 1980 में शुरू हुआ था इंसेक्ट्स को बचाने के लिए अधिनियम, ठीक है। उन इंसेक्ट्स में क्या क्या था, प्रजातियों की बात करें तो तितलियां मतलब बटरफ्लाई, पतंगों मृगों क्या बीटल्स मृगों और लास्ट है तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई। इनको बचाने के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है। 1980 में शुरू हुआ था और ये जाकर खत्म हुआ 1986 में, क्योंकि हम तितलियों अगर हमारे आसपास अगर ये कीट नहीं होंगे, जो कीट होते हैं अगर ये नहीं होंगे तो भी हम खाना नहीं खा पाएंगे। हमें अनाज की जरूरत है तो हमें इनकी भी जरूरत उतनी है, ठीक है।
1991 में अब देखो जो ये भारत वन्य जीव एक्ट जो आया है, भारतीय वन्य जीव एक्ट या फिर अधिनियम, इसमें अभी तक 1972 में आया था, 1973 में हमने बाघ परियोजना लाई, फिर 1980 से 1986 में हमने इंसेक्ट्स को बचाने के कार्यक्रम किए, अब 1991 में कब 1991 में इसमें पौधों की भी, पौधों के कुछ नाम भी ऐड किए गए, ठीक है, पौधे भी इसमें ऐड किए गए जो कि खत्म हो रहे थे या फिर लुप्त होने वाले थे, उनके नाम भी इसमें ऐड किए गए। समझ आ गया? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे समझ नहीं आ रहा? तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट? वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, ज्यादा बड़ा हो गया ना टॉपिक, और वितरण। देखो भाई, तो वन्य, अगर हम बात करें वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, तो इसके वितरण तीन भागों में हुए। कितने भागों में? ठीक से बोल, तीन भागों में हुए। तो पहला जो है, पहला है आरक्षित वन, आरक्षित वन जिसे कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो आरक्षित वनों में क्या किया गया? आरक्षित वन में वनों को आरक्षण देने का काम किया गया है। क्या किया गया है? वनों को आरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है, ठीक है। आरक्षित कैसे किया है, रिजर्व कैसे किया है? जैसे फॉरेस्ट के कुछ हमें रिसोर्सेज मिलते हैं फॉरेस्ट से, क्या क्या मिलते हैं? ईंधन, ईंधन लकड़ी, दवाइयां। तो सरकार द्वारा इन्हें संरक्षित किया गया है, ठीक है, आरक्षित। किसने आरक्षण दिया इसे? सरकार ने, क्योंकि इन सारी चीजों पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है, ठीक है। ये होता है आरक्षित वन। अब है दूसरा रक्षित वन जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड और फॉरेस्ट। तो ये क्या होते हैं? जिनको सरकार द्वारा रक्षा प्रदान है, जिनको रक्षा प्रदान है कि आप इन जंगलों में जाकर इन सारी चीजों को यूज नहीं कर सकते, इन सारी चीजों को यूज नहीं कर सकते। ये रक्षित वन, ये जो रक्षित वन है ये किसके लिए है? तो ये है वनों के जो जीव होते हैं, वन्य जीव, ये उनके लिए रक्षित है, क्योंकि इनमें जितने भी मिनरल्स होंगे, खनिज होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उनको सिर्फ वन्य जीव ही इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करेंगे लकड़ी, ईंधन, दवाइयां नहीं ला सकते, लकड़ी या ईंधन तो वो सरकार द्वारा ही ली जाएगी, वरना वन्य जीव इनको यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। क्या है? अवर्गीकृत वन मतलब अनक्लासी
मैं अनक्लासिफाइड लिखने वाली हूँ, अनक्लास फॉरेस्ट। देखो तो जो अवर्गीकृत वर्गीकृत वन है या फिर अनक्लास फॉरेस्ट, उनमें क्या है, ये दोनों वनों से अलग है। जो वन इन दोनों को छोड़कर बच जाते हैं, जो बचे हुए वन होते हैं, बचे हुए वन या फिर बचे हुए वन ही नहीं या फिर लिख लो चारागा, क्या चारागा, चारागा पता है ना, जो जहाँ पर जानवर चरते हैं, वो जो इलाके हैं वो है अवर्गीकृत वन, जिसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी रक्षा अगर करनी है तो वहां के लोग ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब समुदाय और वन संरक्षण क्या है, समुदाय और वन संरक्षण। तो अब इन सब के अलावा वनों की और कैसे रक्षा की जा सकती है उसके बारे में बात की गई है, तो बताओ कैसे की जा सकती है वनों की रक्षा, बताओ। अच्छा, बोलने में शर्म आ रही है तो लिख दो आकर एक एक करके। वन संरक्षण के उपाय, क्या हो रहा है तुझे, अलग अलग बीमारी आ जाती है। वन संरक्षण के उपाय में पहला क्या क्या करेंगे हम वन की रक्षा करने के लिए, क्या पेड़ों की कटाई कम करेंगे, पेड़ों की क्या शिकार नहीं करना, उसने ये कहा है पेड़ों की का शिकार थोड़ी ना। हाँ तो वन किससे बनता है, लो भाई बताओ। हो गया गला साफ तो बताओगे, ये आपका होमवर्क है, वन को संरक्षण कैसे करना है इसके उपाय लिख कर लाओगे आप लोग। ठीक है, समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण, तो अब इसमें अलग अलग समुदाय के लोगों ने कैसे वनों की रक्षा करी उसकी बात करेंगे। तो आप लोगों ने कभी चिपको आंदोलन सुना है, चिपको आंदोलन, तो जो चिपको आंदोलन है वो चलाया गया था, क्या बताई दो, बताओ अब तुम, नहीं बताओ, वनों की कटाई में कामयाब होते हैं। चिपको आंदोलन हुआ था हिमालय, हिमालय में नहीं हुआ था, हिमालय के प्रदेशों में। हिमालय के जो प्रदेश है जहाँ पर हिमालय का अस्तित्व है वहां पर चिपको आंदोलन हुए थे। ठीक है, चिपको आंदोलन क्या था कि लोग एक पेड़ होता है चिपक जाते, हाँ तो चिपकते हैं, एक पेड़ है जहां से उनको खनिज मिलते हैं, लकड़ियां बहुत बड़ी मात्रा में वो उसका व्यापार करते हैं। तो इसीलिए जब वन आरक्षण अधिनियम था या फिर उससे भी पहले जब बात करें अंग्रेजी सरकार की, तो अंग्रेजी सरकार जब कृषि के लिए क्षेत्र बनवाने की कोशिश कर रही थी तो इन जो पेड़ थे वहां के वहां पर काटा जा रहा था उन्हें, तो उन पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। पर क्या सिर्फ पेड़ ही बचे उस आंदोलन से, क्या बचा फिर,
देखो पेड़ पेड़ तो बचे है ना, पेड़ के साथ बच गया वन, और वन के साथ बच गया वन्य जीव बच गए, ठीक है। तो मतलब ये जो काम किया हिमालय के प्रदेशों में रहने वाले जो लोग थे, इसका सीधा असर पड़ा वन्य जीवन पर, मतलब कि पूरा का पूरा जो प्रकृति का सिस्टम है वो तबाह होने से बच गया, है ना। अब देखो टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, ये बात कर रहे थे हम चिपको आंदोलन की, जो कि हुआ था हिमालय के प्रदेशों में। अब टिहरी में, टिहरी कहाँ है, टिहरी कहाँ है, तो ये भी आपका होमवर्क है कि टिहरी कहाँ है पता करके आओगे, ठीक है। अगर टिहरी आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर है। अब देखो टिहरी में क्या हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में हुआ था, है ना, टिहरी में ही हुआ था ना। तो बीज बचाओ आंदोलन में क्या बात कही गई होगी, ये आपको तो पता ही होगी। बीज बचाने की बात की, क्या बीज बचाने की बात की गई थी, बीज बचाएंगे तो उससे क्या बचेगा, पेड़ बचेगा, वेरी गुड। अगर बीज बचाएंगे तो क्या बचेगा, बीज से क्या जन्म लेता है, पौधा, बीज से पौधा बनेगा तो पौधे का भी संरक्षण हो गया, फिर पौधा पेड़ बनेगा तो पेड़ का संरक्षण हो गया, है ना। पेड़ से हमें मिलेगा ईंधन, क्या मिलेगा, ईंधन, तो हमने सीधा सीधा किसका संरक्षण किया, ईंधन का संरक्षण हुआ। अब ईंधन है, लोगों की जीविका ईंधन से जुड़ी होती है ना, जो गांव वासियों की जीविका है वो किससे जुड़ी होती है, ईंधन से। तो लोगों ने सीधा सीधा काम किसलिए किया है, अपनी जीविका के लिए, अपनी जीविका को बचाने के लिए, ठीक है। अब आपको ये लिखकर लाना है कि वन्य जीवों को या फिर वनों को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं। बाकी जो समझाने वाली चीजें थी वो मैंने समझा दी है, आपका चैप्टर यही खत्म होता है, ठीक है। आप लोगों का टॉपिक आज खत्म होता है यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।